ये मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे जहां पर भी होंगे। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको शशांक आसन और भुजंग आसन, इन दो आसनों के बारे में बताया है। आज मैं आपको बताता हूँ शशांक भुजंग आसन यानी की स्ट्राइकिंग कोबरा पोज। एक सांप जिस तरीके से बैठा होता है और सामने से उठ करके फन मारता है, बिल्कुल उस तरीके से शशांक भुजंग आसन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा मर्जरी आसन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज, लिंक पे आप ऊपर जा सकते हैं और मर्जरी आसन के बारे में जान सकते हैं। तो स्ट्राइकिंग कोबरा पोज शशांक भुजंग आसन के लिए भी हम सबसे पहले मर्जरी आसन में आएंगे। तो मर्जरी आसन के लिए हमारे पैर में थोड़ा सा गैप, हमारे हाथ बिल्कुल सीधे, हमारे शोल्डर से बिल्कुल नीचे, हमारे पैर हमारी कमर से बिल्कुल सीधे नीचे, अपने हाथों को प्लेस रखते हुए पहले हम यहां से शशांक आसन में आएंगे। तो शशांक आसन में अपने कमर को, अपने हिप्स को पीछे की ओर ले जाएं, पूरा नीचे, अपने हाथों को आगे की ओर स्ट्रेच करें, कमर हमारी पीछे और हाथ हमारा आगे, माथे को नीचे लगाएंगे और यहां से हम आगे की ओर उठते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आएंगे। अपने हाथों को पैरों को मूव नहीं करना है, अपने हाथों को पैरों को मूव नहीं करेंगे। आगे की ओर आते हुए पूरा अपने बॉडी को, अपनी कमर को नीचे, पैर हमारे नीचे, शोल्डर्स डाउन, नेक अप, ऊपर और पीछे की ओर देखेंगे। थोड़ी देर वेट करेंगे इस पोजीशन में और फिर हम नीचे की ओर, पीछे की ओर आते हुए वापस शशांक आसन। यहां पर भी थोड़ी देर रिलैक्स करें, होल्ड करेंगे, पूरा स्ट्रेच हमारी पीठ पर और फिर यहां से आगे उठते हुए भुजंग आसन। शशांक आसन, भुजंग आसन, शशांक आसन और भुजंग आसन। होल्ड करेंगे थोड़ी देर फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए। चेस्ट हमारा आउट, नेक हमारी ऊपर, शोल्डर्स डाउन, पूरा वजन हमारे हाथों पर आएगा, फिर पीछे की ओर शशांक आसन, पूरी तरीके से रिलैक्स, फिर यहां से उठते हुए भुजंग आसन और फिर शशांक आसन में आते ही रिलैक्स और वापस वज्रासन में आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम शशांक भुजंग आसन, ये दोनों आसन को मिला करके एक आसन कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं शशांक भुजंग आसन, स्ट्राइकिंग कोबरा पोज। पर अगर आपको कोई पेप्टिक अल्सर या हर्निया या इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस, हाई ब्लड प्रेशर, स्लिप डिस्क, हर्निया, अगर इस तरीके की बीमारियों से आप परेशान हैं तो आप इस आसन को ना करें। इस आसन को करने के हमारे जो फायदे हैं वो सेम फायदे हमें शशांक आसन और भुजंग आसन, ये दोनों आसन को करने में मिलते हैं। तो शशांक भुजंग आसन, इसमें हम अपनी स्पाइन को पीछे और आगे की ओर, पीछे और आगे की ओर करते हैं, तो जिससे हमारी स्पाइन में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी बनती है। ये मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जो भी परेशानी होती है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से उसे ठीक करता है। और पोस्ट नैटल यानी कि डिलीवरी के बाद, जब आप 4 महीने या 5 महीने के बाद जब आप फिट होते हैं कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए, स्ट्राइकिंग कोबरा पोज शशांक भुजंग आसन बहुत ही अच्छा आसन है आफ्टर द डिलीवरी। ये हमारे एब्डोमेन को स्ट्रेंथ करता है और इसको टोन करता है। तो डिलीवरी के बाद जब आपका पेट, फीमेल्स का जो पेट है वो काफी लूज हो जाता है, तो उस लूज पेट को ये टाइट करता है और उसको स्ट्रेंथ भी देता है। ये हमारे किडनी, लीवर, इनको भी स्ट्रेंथ और टोन करता है। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छा आसन है और अगर आप योगा अभ्यास करते हैं तो इस आसन को आप रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो शशांक भुजंग आसन, स्ट्राइकिंग कोबरा पोज पर आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने आसपास, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज को जरूर शेयर करें। थैंक यू।